हेलो संजना, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। रियली देखा, मैंने अपने प्यार के चुंबक से तुम्हें अपने करीब खींच लिया। चुंबक? ओके, समवन इज गेटिंग नॉटी। यू मीन किस एंड ऑल? नॉटी बॉय? नहीं नहीं नहीं, चुंबन नहीं, वो चुंबन होता है चुंबक। मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट। ओके यार, मैडम तो एकदम तितली हुई जा रही हैं। यू नो व्हाट, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। यू नो, एक अलग ही दर्द, एक अलग ही खराश है आपकी आवाज में, एंड आई जस्ट लव इट। लेकिन आपकी आवाज इतनी धीरे धीरे क्यों आ रही है मुझे? एको हो रही है, गूंज रही है आपकी आवाज। व्हेयर आर यू? वो मैं स्टोर रूम में हूँ। व्हाट वाज दैट? फ्लश की आवाज स्टोर रूम में। हाँ, क्योंकि मैंने अपने दिल की बाकी सारी औरतों को फ्लश कर दिया है। अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम, 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 तुम हो। Oh, that is so romantic. I like this conversation. अच्छा सुनो, मुझे अपना नाम बताओ ना। I really want to know your name. मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। Don't be so mysterious. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. चुआ! चुआ? चुआ? रैट? Really, rat? 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 Ratnesh? दिलवाला नाम है मेरा, और प्यार से लोग मुझे रैट रैट बुलाते हैं। यू कैन कॉल मी रैट। ऑलराइट रैट। बस इसे एक मिनट ऐसे ही होल्ड पे बातें करती रही। हाँ, इसके उलझा के रखिए, तब तक हम इसकी कॉल ट्रेस कर लेंगे। फिर देखिए इस चूहे को इसके बिल में जाकर तो पहुंच लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत सही जाल बिछाया इस चूहे के लिए। इस रैट को तो मैं अपने हाथों से रैट पॉइजन दूंगा। अरे बच्ची को परेशान करके रख दिया है। आराम से, I'll manage, don't worry, everything is in control. All right, rat. कुत्ते कहाँ से आ गए सर? ये गली के कुत्ते रात को किसके मुंह लग गए यार? बे, अरे यार फोन लेने आया यार। साले गरीब से फोन के लिए मरा जा रहा है तू? क्या अपनी किडनी बेच के खरीदा क्या तूने? अरे यार काम के लिए चाहिए भाई, मुझे भी अपने फोन में ना दूसरा सिम डाल के ना फोन करना है। किसको? है एक लड़की मेरे मोहल्ले में यार, मैं ना उसको मिस कॉल करूंगा, और जब वो मुझे कॉल बैक करेगी ना तो मैं उसको छेड़ूंगा। टाइम देख रहा है तू साले? मैंने ना बड़े बड़े गिरे हुए लोग देखे, लेकिन तुझसे जब से मिला हूं ना खिलौनी, उसके बाद मेरा अच्छाई से बिल्कुल भरोसा उठ गया। अरे यार तू डायलॉग मत दे, चुपचाप फोन दे। कुछ भी बोल रहा है यार तू? यार ये किसका फोन है यार? अननोन नंबर। ए हेलो, कौन बोल रहा है? अबे फोन तूने किया है तो तू ही बोलना कौन बोल रहा है। मैं इंस्पेक्टर त्रिपाठी। संजना जी ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि कोई रितनेश दिलवाला इस नंबर से फोन कर करके उनको तंग कर रहा। कौन है ये रितनेश? अरे बता कौन है ये रितनेश? हेलो हेलो। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, कृपया दोबारा प्रयत्न ना करें, धन्यवाद। स्विच ऑफ कर, स्विच ऑफ कर। अरे यार स्विच ऑफ कर यार। ये मैडम तो बहुत ऊंची चीज निकली यार, पुलिस के पास पहुंच गई यार। अरे यार
इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे हम यहाँ से निकल लेते भाई। ठंडे दिमाग से काम ले, सबसे पहले इस फोन को ठिकाने लगाते हैं ताकि सबूत मिट जाए। अबे लेकिन कहाँ ठिकाने लगा, कहाँ छुपा यार? चुप कर रहा यार, चुप कर, पकड़ इसको। ओए थूक क्यों रहा है बे? ये पान थूकने की जगह क्या? अरे यार पान नहीं थूक रहा हूँ, उंगलियों के निशान मिटा रहा हूँ, फिंगरप्रिंट से यार। तू साले बड़ा प्रोफेशनल किलर है। ला इधर ला। चल भाग यहां से इससे पहले कि कंग्रेचुलेशंस, चूहे के बिल का पता लग चुका है, फोन ट्रेस हो गया। थैंक गॉड पापा, अब हमें पता चलेगा कि वो शख्स कौन है। मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ, उसे टिप्स लेना चाहता हूँ कि कैसे वो किसी लड़की के साथ सफाई से गुफ्तगू कर लेता है। अच्छा हुआ संजू बाहर चले गए, अब मैं ये नई सिम लगा के मजे लेती हूँ संजू के। ये कौन है यार? हेलो हेलो साजन, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए दीवानी हुए जा रही हूं मैं, आ जाओ ना। क्या पागलपन है यार। साले चोर दिल के चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुस रहा है तू? तू क्या करूं यार, मेरे घर में पुलिस आई हूँ भाई, मुझे छुपा ले यार। क्या बकवास कर रहा है? चल अंदर आ। कमांडर चोर है यार। चूता अरे संजू तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं वो एक फोन आया था बेबी, तो वो रिसीव कर रहा था मैं। अच्छा किसका फोन था? पता नहीं ऐसी कोई रॉन्ग नंबर था। लेकिन मेरा नंबर तो सही था। तुमने किसको फोन किया? है कोई जिसका वेट कर रही थी, लेकिन वो तुम नहीं हो। मतलब दोस्त के बारे में सब सोचना अच्छा नहीं लगता यार, पर क्या करूं मजबूरी। यार ये बैटरी टूट गया साला, नुचुर नुचुर कर रहा है। अभी घंटी बजी है। कोई आएगा तो डोरबेल ही बजेगी ना संजू, कोई खिड़की से कूद के तो नहीं आएगा ना। ये रात को आया कौन है, चलो ना देखते हैं। चल अरे कौन आके मर गया इतनी रात को? अरे वो जीजा तन्ने पिज्जा मंगाया है के? इतनी रात को तेरे नवाब साहब आएंगे पिज्जा देने, दो लेमन वाला। यार संजू दरवाजा खोलो ना, कब से घंटी बज रही है। खोल रहा हूँ यार बेबी।
खोलो। जा रहा है दरवाजा कहीं? अपने घर का है। मैडम मैडम आप संजना इतनी रात को? आप भी इतनी रात को? मैडम क्या क्या हो गया मैडम, मुझे बताइए क्या बात क्या हो गई ऐसी पुलिस लेके आप? मिस्टर साजन हम मिस्टर खिलौनी को ढूंढने यहाँ तक आए हैं। खिलौनी यहाँ क्या करेगा मैडम? खिलौनी तो अपने घर में होगा, उसका अपना खुद का मकान है, दो बाथरूम वाला। अच्छा वो तिवारी, अभी तो हमने उसके घर की छानबीन की, हमें तो मिला नहीं। वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे घर पे ही आया होगा। आखिर संजना बात क्या है, इतनी रात को खिलौनी भैया को क्यों ढूंढ रहे हो? रिमेम्बर कश्मीरा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई एक अननोन कॉल से मुझे बार बार फोन किया जा रहा है, तो जब पुलिस ने फोन टैप किया तो डिटेल से हमें यह पता चला कि वो नंबर मिस्टर खिलौनी का था। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले यहीं कहीं से उन्होंने फोन किया था। अरे जीजा थारे दोस्त भी ना थारी तरह छिछोरे सा एक नंबर के। छिछोरे तो नवाब साहब हुआ करते थे। हम भी कुछ कम नहीं है। हम क्या करने आए पे? Every time is about you. Sorry बेटा। Concentrate please. Sorry. देखिए मैडम आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, खिलौनी ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मान लीजिए अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है और उसके बाद में वो मेरे घर आके छुपेगा तो मैं उसको यहाँ थोड़ी ना छुपने दूंगा, मैं खुद निकाल के उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा मैडम। अरे थारी की खिलौनी तू, अरे तू कहां से आ गया एकदम जादू सा? तू बाहर क्यों निकला खिलौनी? अरे यार अंदर कॉकरोच है, पेस्ट कंट्रोल करवा यार। सर यही है वो रत्नेश दिलवाला, ही इज द वन। इसे अरेस्ट कीजिए, जस्ट अरेस्ट हिम राइट अवे। तुम तो कहते थे ये यहाँ पे नहीं है, तो ये अंदर क्या कर रहा था? हाँ संजू बोलो, तुम भी इस सब में शामिल हो ना? Why are you silent, Mr. Sajan? बोलिए क्या हुआ? Mr. Sajan! जीजा! अरे तो बोलने तो दो यार! तो बोलने दोगे तभी तो एक इंसान बोलेगा, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, ये इसमें इस सब में मैडम खिलौने की कोई गलती नहीं है, ये सारा प्लान मेरा था। मैं ही हूँ आपका रत्नेश दिल वाला। What? मुझे तो पहले से ही शक था। अरे जीजा धूप का मर जा तू, तन्ना हमारी नाक कटवा दी। ये सब सुनने से पहले मैं, अरे रुक जा यार, सुनने से पहले बोला ही नहीं एक आदमी ने यार, पहले ही सुनने से पहले पूरी बात तो खत्म हुई नहीं है, सुनने से पहले क्या सुना तुमने यार? सुनने से पहले एक्चुअली मैडम ये सब वो आपने मुझसे कहा था ना मैडम कि आपको ऐसे मतलब कि रोमांस और पागलपन से भरे हुए एकदम ऑब्सेस्ड लवर जो है वो एक्साइटिंग लगते हैं। तो मैडम आपकी खुशी के लिए मतलब कि आपके एंथुसियाज्म को बरकरार रखने के लिए आप खुश रहें, आपका मूड अच्छा रहे, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है तो फिर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज का मूड भी अच्छा रहता है ना मैडम। सिर्फ इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया और मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं था मैडम। ओह मिस्टर साजन, मिस्टर साजन किसी के मूड को अच्छा करने का तरीका क्या है कि है? देखो बच्चे कितनी डर गई थी बच्चे। इट्स ओके पापा, आई एम फाइन नाउ। ओके एंड मिस्टर साजन ने जो भी किया वो मुझे खुश करने के लिए किया, आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट अ बॉस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन एम्प्लॉय। It's okay, I'm fine. Thank you so much, madam. मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगे। मुझे भी पता था कि आप जरूर बात समझेंगे। मुझे तो कभी खुश नहीं किया ऐसे। ये तो प्रमोशन के लिए ना, प्रमोशन के लिए ये।
अभी अननोन नंबर से कौन फोन कर रहा है मुझे? Who is it now? मैं नहीं हूँ मैडम, मैंने नहीं किया, देखिए मैंने स्पीकर में डालो, स्पीकर में डालो फटाफट। हेलो संजना, आई लव यू संजना। मम्मी, अरे मम्मी यो देख हमारी गुल्लक मिल गई जो मैंने सकता ना कि जी जाने चुराई। एरी गुल्लक, जरा पूछो रे मेरे बेटे से कि ये चवन्नी अठन्नी वाले गुल्लक देख के इतना क्यों खुश हो रहा है? हाँ हाँ पप्पू, आजकल चवन्नी अठन्नी कहाँ चलती है? अरे जीजी, वो तो मन्ने भी बेरास है, लेकिन इसमें चवन्नी अठन्नी नास है, इसमें तो एक एक रुपए के सिक्के से। एरे एक रुपए के सिक्के की खन, जरा कह दे रे मेरे लाडक के पप्पू से कि एक रुपए का सिक्का तो आजकल वजन करने वाले मशीन में ही डालने के काम आते हैं। मम्मी एक बात बोलूं, तन्ने तो वहां पे भी काम नहीं आवे, तन्ने तो मशीन में ना 1000 का नोट डालना पड़ेगा। न्यूज़ लगाओ यार, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यार, न्यूज़ लगाओ। अरे मेरे दामाद की लौटी हुई फुर्ती, जरा पूछो रे मेरे दामाद से कि अब ये कौन सा नया कांड करके आ रहा है। अरे ओ जीजा मान जा तू, तन्ने कति नाक से कटवा रखी, यो बदनामी वाले काम छोड़ दे तू। बदनामी वाले काम तो नवाब साहब किया करते थे। हाँ पता है, और बदनामी वाले लोगों के साथ भी रहते थे वो। लगा रहे न्यूज़ लगाओ यार मम्मी। प्रधानमंत्री ने आज रात से 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा करने से काले धन पर प्रहार होगा, जनता परेशान ना हो, वो अपने पुराने नोट बैंक से बदल सकते हैं। और तेरा भला हो मम्मी, तू तो चाला होगा, 1000 का नोट बंद हो गया, अब तू वजन कैसे तोलेगी? अरे तो चुप करना यार। इस फैसले से तलवार सिर्फ उन पर चलेगी जिन्होंने इनकम से अधिक काला धन जमा किया हुआ है। वाह यार मजा आ गया यार, वाह क्या डिसीजन है यार, वाह यार। हाँ संजू, ये काले धन वालों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ और नहीं तो क्या, काला धन जमा कर करके रखते हैं, इसके चक्कर में महंगाई बढ़ती है, और पिस्ता कौन है, हम जैसा मिडिल क्लास आम आदमी। अरे जीजा एक बात बता, तू मिडिल क्लास कहाँ से, तू तो थर्ड क्लास है। जूस ले। चूसते तो न काले धन वाले है एक जनता का खून। अभी ना नानी याद आएगी और मैं तो इस मामले में सरकार के साथ हूँ। हाँ मम्मी, हमें इस मामले में सरकार का साथ देना चाहिए, वैसे भी काला धन स्टॉक करने से कितनी महंगाई बढ़ती है और सरकार के पास कितना पैसा आएगा, पेट्रोल गैस सब सस्ते हो जाएंगे, है ना संजू? जीजी मन तो मजा आ जाएगा। क्यों, तू गैस और पेट्रोल से चलता है? अरे ना जीजा, लेकिन कार और ट्रक तो चला है ना। अब सुन, जब पेट्रोल महंगा होवे है ना तो ढुलाई महंगी हो जावे है, और ढुलाई की वजह से ना सब्जी फ्रूट सब महंगे हो जावे है। अब देखियो सब सस्ता हो जाएगा, हाँ, और मने पेट भर के खाना मिलेगा, हाँ भाई। और अब देखियो देश की भुखमरी ना खत्म हो जाएगी भाई। मैं तो यूं बोलूं हूँ कि सब मारी गैल मिलकर बोलो जय हिंद। नवाब साहब की इंकलाब जिंदाबाद। ओह देशभक्तों की बारात। ये दूल्हा भूखा बैठा है भाभी, खाना लेके आओ यार। अरे जीजी मारे खाने में ना एक टिक्की मक्खन डाल दियो, खुशी का मारा है। हाँ, और मेरे लिए मिठाई का पूरा डब्बा, I don't mind। जब तक ऐसे लोग मौजूद है ना इस देश में, कोई नोट बंद हो जाए भुखमरी नहीं जाएगी। ये ले। अरे बीच बकवारी। अरे ये ले। अरे जीजा तू बावला हो गया, 500 का नोट बंद हो गया, समाचार नहीं देखे तुमने? 12 बजे बंद होगा ना, चल रहा है ठेके में लाइन लगी जाए। लग जा ठीक है जीजा, नमकीन भी ले आऊंगा साथ में।